अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कंप्लीट स्कूल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम से मुतल्लिक शीट बनाना देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस के साथ कैसे शो किया जा सकता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक ये बड़ी कंप्रीहेंसिव और डिटेल से जो एक शीट बनाई है हमने, इसको कैसे तैयार करना है और इसको कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर फार्मूले वगैरह अप्लाई करना, तो इसके लिए हम लोग इसको डिटेल से सीखेंगे। इसी तरह आप लोग जो है वो एक शीट किसी भी ट्रेड की भी बना सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट शीट है, इसमें हमारी टोटल इनकम कितनी आती है और किस किस मद में आई है। अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये फर्ज करें, हमारे पास ये स्टूडेंट्स की फीस है और कैंटीन की इनकम है, उसके अलावा बुक सेल हुई है, ट्यूशन फीस है, वैन की ज़ुमरे में फ़ीस आती है, जो सिक्योरिटी फ़ीस आती है, ये तमाम फीसेस हमने, तमाम फीस जो है हमने यहाँ पर मेंशन किया है और उसकी डिटेल मेंशन की है कि ये डिटेल उसकी क्या, और मज़ीद इस तरह आप लोग जो है वो उसकी डिटेल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया है, उसको आप लोग यहाँ फॉर्मूला इधर से आप इक्वल के ज़रिए फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सम एस यू एम सम, और उसके बाद आप ब्रैकेट से इसको वैल्यूज़ को ऐसे कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे, तो ये इसका टोटल सम आ जाएगा। इसी तरह यही सम का फॉर्मूला आप इधर से भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास इधर नहीं है तो आप ये ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और इसका फॉर्मूला एंटर कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली, यानी ये आपके एक्सपेंस की डिटेल और एक्सपेंस है और ये आपके इनकम की डिटेल और इनकम है, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये देखना है इसकी एक्सपेंस की डिटेल, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो है एक्सपेंस किस किस का किस तरह हुआ, वो तमाम उसकी डिटेल जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो एक्सपेंस है इसको हमने एक शीट बना लेनी इस यहाँ पर, और इसमें हमने इक्वल लेकर इक्वल के साइन पे हमने टोटल इनकम ये क्लिक कर देना इनकम पे, तो ये हमारे पास इनकम आ गई, और उसके बाद आपने क्लिक करना है टोटल एक्सपेंस पे, ठीक है। तो ये एक्सपेंस हमारे पास, यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला क्या लगाना है उस पर हमने बताना है कि अगर अगर आपकी इनकम ग्रेटर देन है एक्सपेंस से, तो इनकम को एक्सपेंस में से माइनस कर दें, ठीक है जी। आप ये देखें कि आपकी ये इनकम है, इसमें से आपने ये एक्सपेंस है इसको माइनस कर दिया, तो बाकी आपका प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने ख़ास तौर पे इसको याद करना है और इसको बार बार ट्राई करना। सेकेंड लॉस ये है, लॉस कि अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो जाहिर है आपका लॉस आ जाएगा। ये फार्मूला देखें और इस फार्मूला को जो है ना आप लोगों ने कॉपी करके इसको ट्राई करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं इसकी इनकम कम करता हूँ, कि ये यहाँ मैंने इसकी इनकम ख़त्म की है इनकी, तो पता ये लगा कि मैं लॉस में हूँ और प्रॉफिट मेरा ज़ीरो पर आ रहा है, तो ये सिर्फ फार्मूले की वजह से है। अब आ जाता है इसको ज़रा डेकोरेट या फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है ना मैंने ये एक यहाँ पर जो है वो रेक्टेंगल लिए, ये आपने नॉर्मली रेक्टेंगल्स आपने बना लेने हैं और उसके बाद उसको जो है ना फॉर्मेट में आके उसको कोई भी आप शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको आप लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, ये कलरफुल होगा, ये पैनल के तौर पर आपको बहुत अच्छा इसका गेस्चर नज़र आ रहा है। अब ये बात इसमें बाद में ये ऐसी ऐसे आती है कि ये तो शीट बार बार बनानी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। मज़े की बात ये कि आपने जस्ट यहाँ से अपनी एंट्रियाँ करते रहना है, यानी रो को ऐड कर लेना, आपको कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, किसी किस्म का फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा, जस्ट आप अपने एक्सपेंस की बेस पर आप इसको एक्सटेंड कर लेंगे और इनको कंट्रोल से ड्रैग कर लेंगे। जैसे कंट्रोल दबाकर आपने इसको ड्रैग किया तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो डिटेल में इजाफा हो जाएगा, ठीक है जी। ये कंट्रोल प्रेस करना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना। इसी तरह अगर आपने इस डिटेल को ख़त्म करना हो तो आप ख़त्म भी कर सकते हैं कि आपको, लेकिन इसमें ये जस्ट वन टाइम आपने शीट को क्रिएट करना है
और अपने स्कूल या कॉलेज जो भी आप लोगों का बिजनेस है उसको जो है वो आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हमारे इसके अखराजात में इजाफा होता है, आप ये देखें, या हम लोग कमी करते हैं तो हमारा ये जो पैनल नज़र आ रहा है, ये हमने ख़ास तौर पर पैनल लगाया है इसका। इसकी मज़े की बात ये है कि जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर चला जाता है। अगर यहाँ पर हम ये स्क्रॉल में यहाँ रख कर और रिव्यू, यहां आप व्यू में आके फ्रीज पैनल कर लें, ठीक है जी, व्यू व्यू में आके फ्रीज पैनल कर लें, फ्रीज पैनल। अब आप देखें कि आप स्क्रॉल करते हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, वो आपका वो प्रॉफिट और लॉस का पैनल जो है ना वो नहीं, आप जितनी मर्जी एंट्री कर लिए, ठीक है, आपके पास इसमें हज़ार हैं, 10,000 एंट्री हैं, आप अपने पूरे साल की एंट्री यहाँ पर भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो पर मंथ की एंट्री करके, और इसका यहाँ पर नाम चेंज कर लें मंथ का कि फॉर द जनवरी ऑफ दिस मंथ और या अप्रैल, ठीक है जी। अब इसी तरह आपने एक और शीट डिज़ाइन करनी है, इसमें जो है वो कोई एक्स्ट्रा से आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी शीट को रीनेम करके दूसरी शीट पे कर देंगे। अब ये ऐसे हजरात के लिए जिन लोगों की शॉप है, मसलन मोबाइल शॉप वाले अपने बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, छोटी मोटी शॉप जो चला रहे हैं आप मार्केट में, आप उसका अपना जो है वो डेली का एक्सपेंस रखना चाहते हैं, आप उसका डेली की डिटेल रखना चाहते हैं, और आप ये देखना चाहते हैं कि आप जो है वो लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर HR ट्रेडर्स के नाम से एक शॉप है, उसका एक छोटा सा जो है वो सिस्टम बना के दिया है, इसकी इनकम एक्सपेंस विद प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी इनकम ये है कि इसने जो चीज़ सेल की है 2,50,000 रुपये की, इसने अपनी जो है वो टोटल सेल की, आप सेल डिटेल से भी लिख सकते हैं, यानी कि पर डे भी लिख सकते हैं, पर मंथ भी, ओवरऑल सेल भी लिख सकते हैं, यहाँ जैसे भी आप चाहें। अच्छा, उसके बाद उसको उसकी इनकम के दो सोर्सेज हैं यहाँ, एक तो ये कि वो सेल करता है, दूसरा ये कि उसके मोबाइल की कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो वो रिपेयरिंग करके उसके चार्जेस लेता है, तो इस माह के उसके चार्जेस या सेल जो है वो आप लोग ये देखें कि इसकी ये है, ठीक है, ये अमाउंट आ गई उसकी, और अमाउंट आने के बाद आप लोग इसको जो है वो यहाँ पर आपने इसकी टोटल ये अमाउंट है, ऐसे ही ये इसके एक्सपेंसेस हैं कि जाहिर है अब वो जब जो है वो शॉप चला रहा है या कोई भी उसका छोटा मोटा बिजनेस है वो चला रहा है तो उसमें अखराजात भी होंगे। सबसे पहले तो किसी भी शॉप के जो है वो रेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, टेलीफोन बिल आ जाता है, मोबाइल बिल आ जाता है, जो कि आप नॉर्मली जो है वो पर मंथ जो है वो लाजमी करते हैं, यानी कि इसके बगैर जो है हमारा कोई भी बिजनेस वो नहीं चलता। अब हमने क्या किया है, इसको वैसे ही हमने इक्वल यहाँ पर जो है वो आप फॉर्मूले के थ्रू आपने ऑटो सम पे क्लिक किया, एंटर किया, ये फॉर्मूला लग गया। इसी तरह यहाँ पर भी आपने जो है वो ये देखें, हमने यहाँ से आर्ट इक्वल से एंटर कर दिया या फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पर भी वही तरीकाकार हमने किया कि हम कहते हैं इक्वल, ये टोटल जो है इनकम है इसकी ये आ गई, और उसके बाद दूसरे खाने में हमने कहा कि इक्वल, और उसके बाद जो है वो आपने उस एक्सपेंसेस उसके ले लिए। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी फॉर्मूला ये क्या कि अगर इनकम जो है ग्रेटर देन है एक्सपेंस से, अगर इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस से तो वो क्या करे, इनकम में से एक्सपेंस निकाल दे, ठीक है जी, तो उसके जो है ना वो प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर यानी ये पहला फॉर्मूला ये है कि अगर इनकम ग्रेटर देन है एक्सपेंस से तो इनकम में से एक्सपेंस निकाल दे, माइनस कर दे, और अगर नहीं है तो उस सूरत में वो जीरो दिखाएगा। तो इसी तरह जब आपके एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं, इनकम कम हो जाती है, तो ये जीरो हो जाता है और ये इसकी आपकी लॉस बढ़ जाता है। लॉस में ये कहा गया कि अगर इनकम कम है एक्सपेंस से तो एक्सपेंस में से इनकम निकाल दे और बाकी जीरो दिखाए। फॉर्मूला वहां पर ग्रेटर देन का कहा गया, यहां पर लेस कर, ये फॉर्मूला ही थोड़ा सा है। अच्छा, ये तो हमने यहां पर इसका एंड पे, अब ये हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, ये एंड पे हम लोग जाएं और फिर उसके बाद ये करें, इससे बेहतर है कि हमें ना यहां पर जो है
वो इसको फ्रीज करने व्यू में जाकर हम लोग फ्रीज पैनल कर लेंगे, फ्रीज पैनल, और उसके बाद जैसे आपका मज़ीद इंट्रियाँ आती हैं, आप एक माह में जितनी भी इंट्री करनी चाहते हैं 500, 1000, 2000 जितनी इंट्री करते हैं आप लोग इंट्री करते रहते हैं, यहाँ पर जस्ट आपने इंसर्ट के ज़रिए, ये देख रहे हैं ना, इंसर्ट के ज़रिए अगर आप दो सेल रोज को सिलेक्ट करेंगे दो रो इंसर्ट होगी, अगर आप चार रो को सिलेक्ट करेंगे चार रो इंसर्ट होगी, और उसके बाद जो है वो आपका ठीक है, और इसी तरह आप लोग इसको ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे ड्रैग कर ले, तो ये देखें आपका जो है वो ऑटोमेटिकली ये सारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कोई एक्स्ट्रा से आप लोगों ने किसी किस्म की एक्स्ट्रा से फॉर्मूला नहीं लगाना, जस्ट वन टाइम जो है वो फॉर्मूला लगाएं और उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर से इस पैकेज से इस्तफादा हासिल करें। इस सिलसिले में कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो और कोई आप इस तरह का कोई और अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना चाहते हो तो आप जो है एक्सेल में और एक्सेस में किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू पीएचपी के थ्रू आप लोग ये डिज़ाइन करवा सकते हैं, वो हम लोग उसके लिए सर्विसेज देते हैं। तो आज ये दो आप लोगों ने दोनों एप्लीकेशन क्योंकि ये सेम ही है, सिर्फ आपको ऊपर से ट्रेड जो है अपना बिजनेस चेंज करना होगा, और बिजनेस चेंज करने के बाद आप इस दोनों एप्लीकेशन से जो है ना वो इस्तफादा हासिल कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप अपना यहाँ पर नेम वगैरह और बाकी चीज़ें भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए आपने इसके व्यू लाजमी देने हैं कि ये आपको जो हमारी शीट किस तरह की लगी, इसे देखें और इससे इस्तफादा हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।